हाथरस में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर, 7 लोग हुए घायल। हाथरस में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर, 7 लोग हुए घायल। आगरा अलीगढ़ रोड पर हुआ हादसा, लगा जाम। रोडवेज की एक बस मुरादाबाद से आगरा जा रही थी, तभी अलीगढ़ रोड पर जरैया मोड़ के निकट एक वैन को बचाने के चक्कर में ये बस सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। दोनों वाहनों की भिड़ंत होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों में चीख पुकार मचना शुरू हो गया। घटना को देखकर लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। 2 घायलों को लाया गया जिला अस्पताल। कुछ घायलों को हाथरस के जिला अस्पताल भेजा गया तो कुछ को अलीगढ़ भेज दिया गया। इस दुर्घटना में बस के चालक राकेश निवासी खेरागढ़ आगरा, भीमसेन निवासी खेड़ा पचावई जिला आगरा, नवी हसन निवासी सपेरा मानपुर अलीगढ़, दुर्गेश पत्नी प्रीतम, मोहन पुत्र प्रीतम निवासीगढ़ खुर्जा जिला बुलंदशहर सहित 7 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने जाम खुलवाकर यातायात शुरू कराया। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर SDM सासनी लवलीत कौर भी मौके पर पहुंच गई। घायलों को अस्पताल भिजवाने के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया और यातायात सुचारू कराया। इसमें राकेश और भीमसेन को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।